मैंने सलवार कट कर ली है जो कि मेरा 3 मीटर फैब्रिक है, तो देखिएगा 3 मीटर फैब्रिक है पर मैं इसे 9 इंच के अंदर अंदर मुझे इसकी प्लेट्स देनी है, तो 9 इंच के अंदर प्लेट लगती हैं। कॉमन अगर आपको सलवार में अच्छा लुक देना है तो देखिएगा ये आसन की साइड है, यहाँ से मैं इस तरीके से थोड़ा सा आगे की तरफ 1 इंच करीब छोड़कर और देखिएगा इसमें टक्स लगाती हूँ। तो देखिएगा वो टक लगाने के लिए मैं यहाँ से ऐसे आपको बिना इंची टेप के सहारे से बता रही हूँ, तो देखिएगा इस तरीके से थोड़ा सा देखो ये मैं फिंगर से नाप लिया है उंगलियों से, बस इतना ही मुझे अपनी डिस्टेंसिंग रखनी है एक फर्स्ट पोर हुए जितनी, यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊँगी इस तरीके से। देखिएगा सिलाई लगाने के बाद अब देखिएगा मैंने नाप लिया बस इतना ही है, तो ये देखिएगा अब जो मैं ये फैब्रिक मैं नीचे वाला लेती हूँ प्लेट डालने के लिए वो मैं मशीन के काले वाले हिस्से तक कर लेती हूँ ताकि मुझे आइडिया रहता है, नीचे से भी नाप बराबर इक्वल आएगी और ऊपर से भी हमारा फैब्रिक कहीं भी दूर और पास नहीं होगा। देखिएगा इस तरीके से मैंने एक पूर्वे की सिलाई लगा ली है फुट तक आने तक, और ये देखिएगा ये नीचे वाला हिस्सा मैं ब्लैक हिस्से तक रखती हूँ प्लेट का, इसे भी हम ध्यान रखेंगे कि अंदर के हिस्से पर भी सिलाई लगे, प्लेटें हमारी इधर ना जाए नीचे से, ऊपर से भी इक्वल आएंगी फिर नीचे से भी, तो इससे प्लेटें बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में लग जाती हैं। एक बार आप मेरी इस ट्रिक को आजमाइएगा, मैं हमेशा ऐसे ही ट्रिक आजमाती इसी तरीके की ट्रिक लेती हूँ, और अगर आपसे प्लेटें अच्छे से सेट थोड़ा सा सेट करने के लिए मैंने इस तरीके से पेचकस लिया हुआ है जिससे कि मैं प्लेटें सीधा कर लेती हूँ। देखिएगा इतनी सिलाई दी, फिर से मैं वही प्रोसेसिंग अपनाऊँगी, देखिएगा ये बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है और 9 इंच के अंदर ही मेरी सारी प्लेटें आ जाएंगी, ओनली 9 से 10 इंच के अंदर आ जानी चाहिए आपकी प्लेटें जिससे सलवार में बहुत प्यारा लुक आता है, हेवी पटियाला लुक आता है। देखिएगा फ्रेंड इस तरीके से पीछे से चुन्नटों में जो लहरदार चुन्नटें होती हैं वो भी बहुत अच्छे से बनती है। देखिए सिलाई वाला हिस्सा है इसे मैंने थोड़ा सा नीचे दबा दिया है, और देखिएगा इधर भी प्लेट लगा लेंगे स्ट्रेट करके, देखिए एक होल आती जा रही है तो ध्यान रखिएगा नीचे की एक भी प्लेट ना छूटे उसकी सिलाई होना। इसी तरीके से मैं एक साइड से प्लेट लगा लूँगी, नीचे वाला हिस्सा हम सिलाई में लेंगे बराबर रखते हुए चले जाएंगे। देखिएगा मेरी एक साइड की प्लेट कंप्लीट हो चुकी है जो कि पूरी 9 इंच के अंदर है और इक्वल आई है सारी प्लेट। देखिएगा फ्रेंड्स इस तरीके से सारी इक्वल है। अब हम दूसरे हिस्से में लगाएंगे जो कि अपोजिट साइड से लगती है उसमें, तो ये मैं फ्रंट हिस्सा ही है मेरे सलवार का, वो हमने फ्रंट पार्ट के आधे हिस्से में प्लेट दी थी और अब ये आधा हिस्सा है यानी कि दूसरे साइड का पार्ट है। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये अपोजिट साइड से लगता है, तो मैं सीधी साइड से सलवार की सीधी साइड की तरफ से प्लेट लगा रही हूँ जो कि ऊपर का सीधा हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो देखिए वही प्रोसेसिंग इसमें भी होगी। देखिएगा इक्वल आ रही है प्लेटें, तो देखिएगा इस कुछ इस तरीके से अगर आप फैब्रिक को सीधी साइड से रख के मैं लगा रही हूँ तो वो अपोजिट साइड चलेगा, अगर मैं इसे उल्टा करके लगाती तो ये जहाँ से मैंने पहले लगाई थी उसी साइड से लगती प्लेटें, यानी कि इस साइड रख तक फैब्रिक में मेरा इस साइड रखा जाता, तो देखिएगा वही प्रोसेसिंग है ब्लैक हिस्से तक मैंने इसे प्लेटें लिए हैं और सीधा स्ट्रेट करके, तो इसक्रू ड्राइवर या पेचकस की भी यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा मैं पेचकस का यूज करके इस तरीके से प्लेटें लगा रही हूँ, उतनी ही फिंगर से नाप लेती हूँ और फिर प्लेटें लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको आप एक बार आजमाइएगा तो आपको कितनी भी हेवी सलवार हो कितना ही ज़्यादा फैब्रिक हो लगा प्लेटें देने में बहुत आसानी होगी और सलवार का लुक हेवी पटियाला लुक आता है। फ्रेंड्स देखिएगा इस तरीके से मैं इसे सेट करती हुई जा रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें जो कि एकदम फ्री है। तो आपको देखिएगा इस तरीके से मैं दिखाती हूँ पूरी प्लेट से मेरे लग चुकी हैं और सलवार की देखिएगा इक्वल प्लेट से आई है मेरी सारी। अब मैं इसमें आपको बेल्ट लगाना दिखाती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स ये मैंने मेरी सलवार की बेल्ट रेडी कर ली है जिसमें कि मैंने नेफा पहले ही बना लिया है। हम बेल्ट का नाप मैंने आपको बताया है कि जो आपका हिप राउंड होता है उससे 5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो देखिएगा इस तरीके से मैंने इसे डबल फोल्ड पर रख दिया है। अब डबल फोल्ड पर रखने के बाद देखिएगा किस तरीके से हम इसमें निशान लगाते हैं कि कितना हमें फ्रंट में लेना है बेल्ट और कितना हमारा बैक में जाएगा। तो देखिएगा उसका ईजिली मैंने आपको बताया है एक ट्रिक, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग मैं बेल्ट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको पूरा
डिटेलिंग चाहिए तो मेरे और वीडियो है सलवार के, तो उसमें मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। देखिएगा ये मैंने डबल फोल्ड पर एक नोचिंग इधर लगा ली है, जो ओपन पार्ट है वो मेरा दूसरी साइड है जहाँ से मैंने ये निशान लगाया। अब मैं इसे इस तरीके से फोर्थ फोल्ड कर दूंगी, ये मेरा फोर्थ फोल्ड हो गया। तो ये नीचे की साइड से देखिए फोर्थ फोल्ड पर भी मैं निशान लगा दूंगी। तो बस फ्रेंड्स देखिएगा ये हमारे पास चार निशान आ गए हैं बेल्ट में। ये किस तरीके से स्टिच करने हैं वो मैंने आपको काफ़ी बार अपने सलवार के वीडियो में बताए हुए हैं। तो देखिएगा इस तरीके से ओपन करके ये इस तरीके से आ जाएंगे। देखिएगा फ्रंट बैक में जो बीच वाला पॉइंट है वहाँ पर, और ये देखिएगा ये फर्स्ट और फिर बीच में सेकेंड, ये मेरा सेकंड है और ये मेरा थर्ड है। तो मैं देखिएगा जो मेरा बीच वाला पॉइंट है इस पर इस तरीके से जो जॉइंट है सलवार के वो दोनों जॉइंट रख लेंगे हम, और रखने के बाद हमारे साइडों में वो दूसरे जॉइंट हमारे वो कट हमारे साइडों में आ जाएंगे जो हम निशान लगाए थे। देखिएगा ये इस तरीके से दोनों साइड हमारे कट रहेंगे। तो आप इसकी पूरी डिटेलिंग मेरे वीडियो पर दे सकते हैं। अब मैं देखिएगा सलवार को इसमें अटैच कर देती हूँ। ये देखिएगा मैंने बेल्ट अटैच कर लिया आपको दिखाने के लिए, मैंने ऊपर से ओपन छोड़ा है। तो देखिएगा जो बेल्ट का ये हमारा नेफा है सामने की तरफ फ्रंट में जो ओपन होता है वो हिस्सा है। तो देखिएगा मैंने आपको दिखाने के लिए बस वही वहाँ तक ही टच किया है जहाँ मेरे तीनों निशान लगे हुए थे। बीच सेंटर वाले को मैंने बैक साइड में सेंटर में ले लिया और जो फ्रंट वाले हैं उनको मैंने ओपन छोड़े थे। अब देखिएगा ये सारा हिस्सा हमारे ये फ्रंट पार्ट में आ जाएगा इस तरीके से, इसे स्टिच कर दूंगी मैं यहाँ से। तो और जो मेरे साइडों के पॉइंट थे वो मेरे साइडों में आ गए हैं कट, जो मैंने लगाए थे ये साइडों में आ गए हैं वो कट। तो ये देखो इधर साइडों में कट है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम हमारी बेल्ट ईजिली कर सकते हैं। तो देखिएगा ये प्लेटें भी इक्वल आ रही है मेरी सिलने के बाद, और ये देखिएगा पीछे से भी घेर देखिएगा कितना अच्छा घेर आ रहा है, चुन्नटें एक समान आ रही हैं सारी। वीडियो में इतना कुछ क्लियर दिख नहीं पा रहा है, फिर रियली में बहुत प्यारी सुंदर सलवार बनी थी। देखिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, जो कि एकदम फ्री है। थैंक यू।